This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार, इंडियन फनकार में आपका स्वागत करती हूँ. आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ. इसका शीर्षक है नया ख्वाब. हाँ, बचपन से ही माँ ने सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा दी थी. हाँ, बचपन से ही माँ ने सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखा दी थी. ये बता के कि जिंदगी भर काम आएगी, ये बता के कि जिंदगी भर काम आएगी. फिर तो जो भी फटा हुआ देखती थी सी लेती थी, जो भी फटा हुआ देखती थी सी लेती थी और उस पर बढ़िया सी कढ़ाई कर देती थी, उस पर बढ़िया सी कढ़ाई कर देती थी. ढक जाते थे अंग, इज्जत और गरीबी भी, ढक जाते थे अंग, इज्जत और गरीबी भी. कोई टूटा लटकता या उलझा हुआ डोर देखती थी तो तुरंत ही बुन लेती थी, कोई टूटा लटकता या उलझा हुआ डोर देखती थी तो तुरंत बुन लेती थी, ताकि वो कपड़ा या मन बिखरने से बच जाए, ताकि वो कपड़ा या मन बिखरने से बच जाए. फिर तो सब लोग फटे पुराने कपड़े, चीज, ख्वाब या रिश्ते लेके आने लगे मेरे पास. फिर तो सब लोग फटे पुराने कपड़े, चीज, ख्वाब या रिश्ते लेके आने लगे मेरे पास. मैं सबको संवारती गई, मैं सबको संवारती गई. एक दिन मैं खुद उलझ गई, एक दिन मैं खुद उलझ गई. सोचने लगी, अरे मैं कुछ नया बनाऊं, कुछ नया चाहिए, मैं कुछ नया बनाऊं, कुछ नया चाहिए. ये रिपेयरिंग वर्क कर करके मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, रिपेयरिंग वर्क कर करके मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, मैं भी कुछ नया वो ही करने गई. तो मैं भी बिखरने लगी, वही करने गई तो मैं भी बिखरने लगी. मैं अटक गई, मुझको तो आता था खुद को संभालना संवरना, मुझको तो आता था खुद को संभालना संवरना. माँ तभी मुस्कुरा के बोली, माँ तभी मुस्कुरा के बोली, बेटी अपना काम डॉक्टर जैसा ही तो है, अपना काम डॉक्टर जैसा ही तो है. वह नया इंसान बनाते नहीं, रिपेयरिंग करते हैं. वे नया इंसान बनाते नहीं, रिपेयरिंग करते हैं. यही तो चैलेंज है, यही तो एक चैलेंज है. हम स्त्रियां तो आसानी से कर सकती है, घर और रिश्ता सजाना संवरना संभालना और कायम ही करना, घर और रिश्ता सजाना संवरना संभालना और कायम ही करना. यही तो नया ख्वाब है, यही तो नया ख्वाब है. थैंक यू वेरी मच. मित्रों, ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.